वही अगली खबर मध्य प्रदेश के पवई से आ रही है। आपको बता दें कि मामला रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिलपुरा का है, जहां 108 एम्बुलेंस सुविधा न मिलने के कारण मंगलवार को दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम बिलपुरा निवासी उदयपाल सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सोमवार 6:30 पर 108 एम्बुलेंस के लिए कॉल किया था, क्योंकि भाभी को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत थी। वही तीन बार कॉल किया गया, लेकिन एक घंटा बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस ग्राम बिलपुरा नहीं पहुंच पाई। इसके साथ ही एम्बुलेंस वालों ने दूरी का कारण बताते हुए समय पर आने से इनकार कर दिया, जिसके कारण बात के बाद दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई। उदयपाल सेन ने बताया कि जरूरत के समय उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। तो ये पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला आ रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहां 108 एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस ने दूरी के कारण नहीं आ पाई और यह एक बहाना मारा कि दूरी है बहुत। सात बजे से डिलीवरी थी, हमने 7:30 108 के लिए कॉल किया था, जिसके कारण 108 नहीं आई है। 108 में आने के कारण हमारे दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। इसके जिम्मेवार स्वयं डॉक्टर साहब चौधरी डॉक्टर होंगे, रायपुरा स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा जिला पन्ना मध्य प्रदेश। तो पवई से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिलपुरा का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नवजात की जान के साथ खेला गया। बोले तो इसी मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनूप, तो ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, तो ये पूरा मामला हमें विस्तार से बताइए। जी मुस्कान जी, हम आपको बता दें कि बीती सोमवार की देर शाम का ये मामला है और ये रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत बिलपुरा नामक जो ग्राम है वहाँ की घटना है, जहाँ पर उदय सेन जो है उसकी जो भाभी है उसको डिलीवरी थी, उसकी उसने जो एम्बुलेंस 108 को लगभग 2 से 3 बार फोन लगाया, लेकिन उसके बाद रिसीव नहीं किया गया। लेकिन जब फोन चौथी बार में रिसीव किया जाता है तो ये कह करके कि यहाँ से जो बिलपुरा है वो काफी दूर है, हम नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से इस तरह की जो घटना हुई है वो घटित हो गई। जी जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी इस पे परिजनों का क्या बयान सामने आया है, क्योंकि नवजातों की जान चली गई है, माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा, ये जाहिर सी बात है। वही परिवारजनों का इसको लेकर क्या बयान आया है? जी मैम मुस्कान जी, बता दें कि परिजनों के द्वारा एक आरोप वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वह साफ तौर पर ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जो वहाँ जो खंड चिकित्सा अधिकारी, जिनको बोला जाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पदस्थ डॉक्टर हैं, डॉक्टर एमएल चौधरी, उनको साफ तौर पर इसके लिए दोषी माना जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं। जी जी, आपने बताया कि पहला घटना नहीं है, इससे संबंधित और भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से किसी अधिकारी का बयान सामने आया हो जो आपने पूछा हो? देखिए अभी अधिकारी कर्मचारी जो है वो कुछ भी कहने से साफ तौर पर बच रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्योंकि अभी उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। जी जी, वही अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इसके लिए जिम्मेदार हम किसको माने? साफ तौर पर देखा जाए तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के मुखिया जो बैठे हुए हैं, उनको इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना ना हो। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए अभी से सतर्क करने की जरूरत है। धन्यवाद अनूप जी हम सारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मामला रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले बिलपुरा का है, जहां 108 एम्बुलेंस सुविधा ना मिलने के कारण मंगलवार को दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई।